हमारे घर में कढ़ाई और स्टू और कलेजी, उसकी बोटियां भी अलग ये चीज और क्या थी बनी, एक चिकन बिरयानी बनाई थी चापे तो जरूर ट्राई होती है हम लोग कलेजी कलेजी और मगज वो तो एक क्योंकि भाई को मगज पसंद है हमारे सबको पसंद है बाकी गोश्त में मेरा नहीं ख्याल मम्मी तो कुछ भी नहीं बनाती और चावल वगैरह पुलाव वगैरह जैसे होता है हाँ वो तो हम लोग जाते हैं ना घर में फिर बनता नहीं है जब हम लोग जैसे मुमानी के घर गए या कजन का गेट टुगेदर कोई खानदान में होता है ना आपके यहाँ क्या हमारे मेरिया बनी थी मटन बिरयानी समीरा ने बनाई थी जो वो था ब्रेन मसाला वो भी समीना ने बनाया था कलेजी बाजी ने बनाई थी एंड बिहारी गोश्त जो था वो कहीं से आया था बीफ का वो हमारी बहू ने बनाया था तो सो टेस्टी इतने मज़े का था चपातियाँ बाहर से आ गई थी रायता वायता सब घर में बनाया तो बहुत मज़ा आया था वो ये रात का डिनर आपका क्या था पूरा चिकन बिरयानी दही बड़े हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं हमारी कुक बनाती हैं लेकिन उसका तड़का बहुत ज़बरदस्त होता है तो लोग बाकायदा वो खाते हैं मतलब कि हाँ कि आयशा के घर के दही बड़े हैदराबादी दही बड़े तो चिकन बिरयानी दही बड़े कीमा और कढ़ाई मटन की और उसके बाद कलेजी ये चीज़ें तो ज़रूर होती हैं और एक मैं दाल ज़रूर रखती हूँ क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो गोश्त को इतना पसंद नहीं करते वो वेजिटेरियन है तो दाल सब्जी में से एक चीज़ ज़रूर ज़रूर अच्छा वैसे तो वो होता है कि एक खास था चॉप्स और नानी बनाती थी चॉप्स उसके ऊपर आलू और ब्रेड क्रम्स लगाते हैं जब आप उसको हरे मसाला और ऊपर आलू और ब्रेड क्रम्स वो खास एक पुलाव अभी जैसे कहीं से मुझे मिला था गोश्त रान तो अब मैं बनाऊंगी कि तबीयत थोड़ा सही हो तो मैं मंदी बनाऊंगी उसको चावलों करके उसको रोस्ट करके ना और थोड़ा सा प्रोटीन क्योंकि ये भी डाइट में मुझे भी डाइट तो वो मैं मुझे खास है कि मंदी चावलों के साथ और रान को